तो ये देखो प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखोगे एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड सर्कुलर इलिप्टिकल चार लूप है एक रेक्टेंगुलर है एक स्क्वायर है एक सर्कुलर है मैग्नेटिक्ड डायरेक्टर निगेटिव एक्सिस ठीक है तो कहता है इंट्रोड्यूस ई एम एफ ड्यूरिंग द पासिस ऑफ द लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट कांस्टेंट किसके लिए जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो देखो ईएमएफ किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ निगेटिव आउटवर्ड बोर्ड के अंदर बाहर लगा दिया जो कि निगेटिव जेड एक्सिस में जो स्क्रीन है उसके अंदर है अब यहाँ से चार एक रेक्टेंगुलर लूप है तो एक रेक्टेंगुलर लूप अगर मैं लेता हूँ तो ये रहा अपना रेक्टेंगुलर लूप समझे ये रहा रेक्टेंगुलर लूप और ये रहा स्क्वायर लूप ठीक है ना मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ कम थिकनेस का बनाता हूँ ये बच्चे डाउट में लेके आते हैं बहुत ज़्यादा ये बच्चे डाउट में क्वेश्चन लेके आते हैं उनको बार बार डाउट आता है तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर लूप यहाँ से बनाता हूँ और ध्यान रखना ये जब एक स्क्वायर लूप जब ये पासिस बाहर जा रहे हैं तब और एक यहाँ से सर्कुलर लूप जब बाहर निकल रहा है और एक और मुझे बनाना पड़ेगा एलिप्स एलिप्टिकल तो ये रहा अपना एलिप्टिकल लूप तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फ़ील्ड से बाहर निकल रहे हैं अंदर में रहेंगे तो इंडिड्यूस ई डेवलप होगा ही नहीं ठीक है कि अगर यहाँ पर है कोई भी लूप अगर यहाँ पर है तो इंडियूस ई डेवलप ज़ीरो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है एरिया कॉन्स्टेंट है फ्लक्स चेंज जो है वो ज़ीरो है तो फ्लक्स जब चेंज ही नहीं हुआ तो ई एम एफ जीरो जब वो बाहर निकलेंगे बाउंड्री लाइन ये मैं इनके लिए एक बाउंड्री लाइन बना देता हूँ तो ये यहाँ से मान लो ये बाउंड्री लाइन है इससे ये बाहर निकल रहे हैं तो कहता है कि इसमें कॉन्स्टेंट होगा देखो सबसे पहले ये समझो फैराडे लॉ के इक्वेशन को समझो कि इंड्रड्यूस जो ई एम एफ है मैग्नीट्यूड में डी फाइव ओवर डी टी है डी फाइव ओवर डी टी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो डी फाइव ओवर डी टी को मैं बी ए यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है जीरो है ठीक है क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेंज है तो बी बाहर आ रही है तो डी ए ओवर डी टी अब डी ए ओवर डी टी का मीनिंग क्या चीज है डी ए ओवर डी टी इज नथिंग बट इज द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब और सिंपल सी भाषा में बात करो तो चेंज इन एरिया पर सेकेंड मतलब अगर हाँ चेंज एरिया एरिया पर सेकेंड एरिया पर सेकेंड जो है अगर ये कांस्टेंट है तो मै ई एम एफ रहेगा और अगर ये वेरी कर रहा एरिया पर सेकेंड वेरी कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये एम वेरी करेगा अब देखो पर सेकेंड जो एरिया है ज्योमेट्री यहाँ से सेम है तो अगर मैं इसका पर सेकेंड एरिया लूँगा तो एक सेकेंड में एरिया इतना बाहर आ रहा है फिर अगले सेकेंड में जो एरिया है वो इतना बाहर आएगा ठीक ना अगले सेकेंड में एरिया सेम बाहर आएगा ठीक ना पर सेकेंड एरिया सेम बाहर आएगा दिस इज द स्मॉल एरिया डी ए दिस इज डी ए दिस इज डी ए दिस डी ए पर सेकेंड कॉन्स्टेंट है तो इससे जो ई एम एफ है उसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेंगी और इससे तुम देखोगे इससे भी वही हाल है पर सेकेंड जो पर सेकेंड जो एरिया है पर सेकेंड वो अपना सेम बाहर निकल रहा है ये पर सेकेंड एरिया सेम है तो इससे भी ई एम एफ अपना कॉन्स्टेंट जनरेट होगा ठीक है ना जई एडवास अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो इसका ग्राफ भी अच्छा बनेगा अभी मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ ठीक है ना मेडिकल वाले बेहोश हो जाएंगे तो यहां से तुम देखोगे जो सर्कल है वो जो सर्कल है सर्कल का पर सेकेंड एरिया देखोगे तो टाइम तो सेम है लेकिन पर सेकेंड एरिया सर्कल का इंक्रीज होगा देख रहे हो ये है एरिया पर सेकेंड पहले जो पर सेकेंड एरिया था फिर इंक्रीज होते लास्ट में क्या होगा जब ये बाहर आएगा तो डिक्रीज होगा समझ में आ रहा है इलिप्स का पर सेकेंड पहले इंक्रीज होगा फिर वही हाल है फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगा पर सेकेंड और फिर लास्ट में डिक्रीज होने लगेगा तो जो सर्कल है और इलिप्स है इससे जो इंड्रड्यूस ई है वो वेरिएबल ई एम जनरेट होगा इसका मतलब ये हुआ नॉट रिमेंस कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये हुआ सर्कुलर लूप एंड एलिप्स नॉट रिमेंस कॉन्स्टेंटीना ये गलत है ये गलत है ये गलत है थैंक यू